भैया ठाकुर भैया, लाल पहाड़ी के पास धमकी दी थी ना नायडू के भाई छोटू नायक ने, उसके हाथ पैर सारा शरीर अलग अलग काट के आया हूँ मैं। शाबाश, उसे मार कर इस गांव का नाम रोशन किया है। देवा, तेरा विश्वास, तेरा गुस्सा, मैं हमेशा बाहर जाने के समय तुम्हें साथ रखूंगा। बाहर मुझसे टक्कर लेने वालों को तुम खत्म करते रहना। जाओ रामगढ़ हॉस्पिटल जाकर के वही रहने का सर्टिफिकेट ले आओ। डॉक्टर को मैं फोन करता हूँ। शैलू का स्कूल में दाखिला कराना था, आप भी आ रहे हैं ना? मुझे जरूरी काम है, तुम जाकर आओ। हेडमास्टर से मैं फोन पर बात करता हूँ। ए रंगास्वामी। हाँ भैया। मैम साहब के साथ स्कूल जाओ। ठीक है, संभल के। ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, रोज यही पहनो ना। अच्छा है क्या? अच्छी क्या शैलू, बहुत प्यारी लग रही हो। आज मुझे स्कूल में भेज रहे हैं, पता है? सुनो, अगर वहाँ तुम्हें कोई कुछ कहे तो मुझे बता देना, जान से मार दूंगा। यही नहीं करना, मेरे गैर हाजिरी में गांव के किसी से भी झगड़ा किया तो शाम को आके अच्छे से मारूंगी। अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। शैलू, समय हो गया, माँ बुला रही है। इस दीदी से क्या बात कर रही हो तुम? सुनो बाबू, अब जब देखो मुझे जिद्दी कहते रहते हो। मैं कोई जिद्दी विद्दी नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप इसी से पूछ लीजिए। बाबू बाबू, मैं भी आऊंगा बाबू। तुम कहाँ आओगे, तुम यही रहो। चलने दो ना, स्कूल भी देख लेगा। वो क्या देखेगा? मामा, सिंह को भी साथ में लेके चलते हैं। आने दो रंगा स्वामी, इसे भी ले चलते हैं। माँ जी ने कह दिया, राइट राइट, मैं भी जाऊंगा। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे, चलो। अरे, अरे तुम अंदर बैठो, बदमाशी कर। जल्दी जल्दी, गिरेगा तू। स्पीड बढ़ाओ। अरे रुक ना, चलाने दे मुझे, चलाने दे। बाबू सामने देखिए, ट्रक आ रहा है। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। अरे हाथ हटाओ यहाँ से, हाथ हटाओ। ये क्या किया? मुंह बंद करो अपना, इसीलिए तुम्हें घर रहने को कहा था। अरे कितना बड़बड़ करता है ये हमेशा ऐसा करता है। पैदा हुआ इस गढ़ में और ठाकुर साहब की परवरिश, गुस्सा बहुत आता है इससे, जिद्दी को। ए, ए, बैठो। माँ मेरी किताब। रंगा स्वामी रुको जरा, मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। ए सिनु जरा संभल के। सिनु 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 सिनु। मुझे कुछ नहीं हुआ शैलू। क्या कुछ नहीं हुआ, जिद्दी देखो जरा। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारे लिए इसके बगैर कैसे लिखोगी, टीचर मारेंगे ना। अरे सर पे लिखूंगी, जिद्दी कहेंगे, मेरा कहा कभी नहीं मानते तुम। समय देखकर चलाया था, उसमें ठाकुर नहीं था। लेकिन उसकी औरत मर गई, ड्राइवर और ड्राइवर की बीवी भी गई। इस बार माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें ठाकुर को मारने के लिए कहा था और तुम ड्राइवर और उसकी बीवी बच्चों को मार गए हो। बड़े बड़े भैंसों की तरह तुम लोगों को पाल रहा हूँ, इससे तो अच्छा होता कि कुत्ता पाल लेता तो ठाकुर को काट के पागल बना देता। तुम लोग किसी काम के नहीं। तू माँ नहीं है इसलिए रो रही हो शैलू? मैं तुम पर कोई आज नहीं आने दूंगा, माँ की तरह खाना खिलाऊंगा, घुमाऊंगा, पर तुम रोना मत। तुम रोगी तो मुझे भी रोना आएगा। तेरे माँ बाप भी तो मारे गए हैं ना? उनके काम भी मैं ही करूंगा शैलू, मेरी माँ की तरह आपके घर के काम करूंगा, मेरे बापू की तरह जीप चलाकर तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगा। लेकिन सीनू तुम अपने माँ बाप के बिना कैसे रहोगे? मुझे क्या शैलू, तुम मेरे साथ हो, भगवान जैसे ठाकुर हैं, मेरे माँ बाप अब तुम ही हो। तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम भी मत रो बेटी। पापा। तुम शहर जा रही हो कॉन्वेंट में पढ़ाई करने के लिए। सर, जो कहा याद है ना? याद है सर। मेरी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप चिंता मत कीजिए। शैलू अब तुम नहीं आओगी? छुट्टियों में मैं जरूर आऊंगी सीनू। कब तक नहीं आओगी? अगर कोई आएगा तो उनके साथ जरूर आना तुम। सीनू किसी को मत मारना। आओ बेटी। नमस्ते, आते हैं।
क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? माँ बाप मर गए हैं? तेरे माँ बाप मरे नहीं, वो नायडू ने मारा है। इस गांव में पैदा हुआ है, पागलों की तरह क्यों रो रहा है? तेरे आंखों से आंसू नहीं, आग निकलनी चाहिए। उसे नायडू ने मरवाया है, काटना है, उसका बलि करना है। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? काट डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा। शाबाश, ये ले चाकू, मार डाल। एक एक को काट डालूंगा। लाल पहाड़ी के पास ठाकुर के आदमी नायडू के आदमी को खत्म कर रहे हैं सर। ऐसी किसी ने कंप्लेंट लिखवाई क्या? नहीं सर। तो फिर तुझे क्या है? सर वो ठाकुर के आदमी नायडू के आदमी को मार डालेंगे सर। दूसरे दिन? उसके बाद उनके आदमी इनके आदमी को मार डालेंगे सर। क्या है, वो एक दूसरे को समझदारी से खत्म कर देंगे तो हम लोग, तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू मुझे आगे क्यों उठा रहा है? चल जाके सो जा। देखा तुम लोगों ने, सीनू की इतनी हिम्मत, मेरे एक एक आदमी को कुत्ते की तरह मारा। हमारे मुस्तंडे किसी काम के नहीं, वो कैसे चाकू चलाता है, उड़ उड़ के मारता है। पता नहीं उसको ठाकुर क्या खिलाकर पाल रहा है। कल का बच्चा जिससे हम अपनी जान बचाकर आए हैं, नायडू उससे डरकर भागकर आ गया। ठाकुर को पता चला तो क्या सोचेगा? हाँ, आपकी धोती निकल गई। हाथ तोड़ दूंगा, धोती ठीक कर। पहले जीजा को मारा, फिर मेरे भाई को शिकार बनाया, मेरे भाई को मार डाला। पापा, मैं चाकू लेकर शिनू को मारने गया था। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम चुप रहो। सूरी भाई, 10 साल पहले जो हाल मैंने देवाकी की थी, वैसे इसका भी। ठीक है भाई, वैसा ही करूंगा। वही हाल शिनू का भी करना है, वैशाखी के सहारे चलाना है उसको। शुभ शुभ घर से बाहर निकल रहा था तो आधी जली हुई लाश की तरह तुम मेरे सामने क्यों आ गए? मैं जब भी बाहर जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बाहर के दुश्मनों को तुम्हें ही खत्म करना है। क्या रे, ऐसे क्यों देख रहा है? आंखें निकाल लूंगा। दवा खरीदनी है, थोड़े पैसे मिल जाते तो। क्या दूं तुम्हें लंगड़े, नायडू की जान लेकर आने को कहा था तो उसको अपना पैर देकर आ गए। मारे होते तो मर्द बनकर रहते, जी कर औरत की तरह रह रहे हो तू। हिसाब? हिसाब? फिर से हिसाब मांगने आए तो मारने वाले की कैटेगरी में डाल दूंगा। जाओ मंदिर जाओ, जाओ। दिख रहा है शिनू? ठाकुर साहब, नायडू। उसने क्या किया है तुम्हारे साथ? मेरे माँ बाप को मरवाया है। तुम क्या करोगे उसका? काट डालूंगा। शाबाश,
ये लो चाकू, काट डाल। क्या रे शिनु, तू तो सच्चा मर्द है रे। तेरे अंदर गांव का गुस्सा है, तेरी आंखों में गांव के लिए स्वाभिमान है, शाबाश। मैं आज बाहर जा रहा हूं तो तुम मेरे साथ आओगे। बाहर मुझसे दुश्मनी करने वालों को तुम खत्म करोगे। क्या रे, मैं तुझे आकाश में बिठा रहा हूं और तू नीचे क्यों देख रहा है, है? मैं यहीं पर ठीक हूं, वहां शहर में शैलू अकेली जो है। सच कह रहा है तू, बहुत दिन हो गए शैलू से मुझे भी बात किए हुए। फोन कर। एक मिनट शैलू। का बाप बात कर रहा है। नहीं है को। ओ, वो नहीं है कह रही है। ओ, वो यही है लेकिन यहाँ नहीं है कह रही है। ओ, उसका है ना सर दुख रहा है। ये झूठ नहीं है, कन्फर्म है, इसलिए नहीं कह रही है। कौन हो तुम पागल लड़की? पागल? अबे डैडी माँ, जरा अच्छी तरह बात करो। अबे ठाकुर, तेरी रॉयल सीमा है तो मेरी रॉयल सिटी, ओल्ड सिटी, कुतुब शाही खानदान की हूँ। ईमान रखने वाली आमदनी नखरे की ना न काट डालूंगी। तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा नाना पागल, तेरा सारा खानदान पागल। अभी बाकी की गाली तुम देना। हेलो पापा, अभी ट्यूशन से आ रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है ना। सॉरी पापा, ये बहुत अच्छी है। ऐसे बोलो, थोड़ी सी पागल है। पागल? मैं नहीं, तुम। ठीक है उस पागल से मुझे क्या है। कल शिनु आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, तैयार रहना और उसके साथ आ जाना। ठीक है पापा। रॉयल सीमा के लफड़ों के बारे में तुम लोगों ने फिल्मों में तो देखा ही होगा ना। वैसे भी हॉलीडे चल रहा है ना, हम तेरे साथ तेरे गांव आते हैं, लाइव देखेंगे। वह थ्रिल है ना। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, हम भी चलेंगे। ए फातिमा, मुझे नहीं आना है, आप लोग जाओ। कैसे आएगी? फोन पे मेरे पापा से ज्यादा बकबक जो की है, डर है कहीं से मार ही न डाले है ना। डर? ओए, तेरे रॉयल सीमा है तो मेरी रॉयल सिटी, ओल्ड सिटी, कुतुब शाह के खानदान की हूँ, ईमानदार की आमदनी, हम किससे कम नहीं। चल चल चल, तेरे गांव चल के फिर देखते हैं। अरे लड़कियों, सफर के लिए तैयार हो जाओ, हमें गांव जाना है। अपना मूड ऐसे खराब मत करो। कल हमें लेने शिनु आएगा। हम दोस्त हुए तब से देख रही हो, शिनु शिनु कहती हो। कौन है शिनु? या अल्लाह, क्या शिनु यही है? वाह, एकदम परफेक्ट है। शैलू, तेरा टेस्ट भी सही है। क्या तेरी पसंद है? डाकू जैसा तो है। शैलू, और चलो। क्या शैलू, लगेज रेडी है ना? बाप रे, इसकी आवाज तो हरिहरन की आवाज जैसी है। शिनु नहीं आया तो क्या? ये लड़का शिनु नहीं है क्या? मैं तुझे शिनु के जैसा दिख रहा हूँ? चलो जीप में आकर बैठो। तुम ड्राइविंग करोगे? ट्रेनिंग पकड़ना आता है? सीनु को ड्राइविंग मैंने सिखाई है, क्या सीनु सीनु लगा रखी हो? हाँ, सीनु पर भरोसा किया ही क्यों? रुको रुको रुको। ए डेली, सामान उतार ले। चलो सामान उतारो। ए कम ऑन गर्ल्स। क्या बेटा, अपने दोस्तों के साथ आई हो? हाँ पापा, ये सब मेरी क्लासमेट्स हैं, गांव देखने आई हैं। गांव में देखने के लिए क्या है, यहाँ कोई वृंदावन गार्डन है क्या जो देखोगी? क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? लावण्य अंकल। तुम्हारा? मालती अंकल। झांसी अंकल। मुन्नी अंकल। सुनो तुम ही, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अगर मेरा नाम सुनोगे तो अपना नाम भूल जाओगे। ए, ए लड़की, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रही है जब नाम पूछ रहा हूँ तो? इतना खड़ूस, शैलू का फादर डरा रहा है, चोर कहीं का। ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही हो, बात नहीं करती क्या, गूंगी हो? पापा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बचपन से ही ऐसी है। गूंगी है तो क्या, लेकिन ये बात बताने में शर्म कैसी? बकवास बंद करो, गूंगी नाम कैसे बोलेगी? बेचारी, किस जन्म का पाप किस जन्म में भुगत रही है, इस जन्म में आवाज ही नहीं है। किसी जन्म में पाप नहीं किया, इस जन्म में आपसे फोन पर बात करके बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। ठीक है अंदर जाओ।
ये गुंगी है, इसने बताया बहुत अच्छा काम किया, अब जब तक यहाँ रहेंगे साउंड बॉक्स क्लोज कर दे। इसकी नजर, उसकी नजर, तेरी नजर, मेरी नजर, गांव की नजर, उसकी नजर, सबकी नजर। जी, नजर उतारना, आरती करना, स्वागत करना। अबे चल, वो कद्दू है रे, वो जब ऐसे ऐसे घुमा रहा था तो मेरे दिल की धड़कन वैसे वैसे ही बढ़ रही थी। थ्रिल, तुम्हें थ्रिल चाहिए था ना? मैंने नहीं, इन्होंने कहा था। एक बात कहूँ मैं शैलू, जब से यहाँ आए तब से कुछ टेंशन सा फील हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, आगे बहुत कुछ होने वाला है। चलो 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 ना, जल्दी करो। देखो ये क्या है, बड़ा लड्डू है। अच्छा हुआ, बड़ा लड्डू समझकर मुंह में रखने वाली हो, बम है। पागल हो क्या, नीचे गिर जाता तो बिल्डिंग गिर जाती। ए तुम चलो 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 चलो, अरे चलो। मम्मी अब्बा को एक हफ्ते में आऊंगी कहकर आई थी, अब जाऊंगी या नहीं पता नहीं। कुर्सी टूट गई, वो गिर गई। बस इतनी सी बात, तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? मुंह से भी तो कह सकती थी ना। ये गूंगी है ना, कैसे कहेगी, जाओ तुम। ठीक है चलो। उफ़ चलो उठ। अरे हाँ, थोड़ी देर पहले आते समय तो ये पटापट बात कर रही थी और इतनी जल्दी गूंगी कैसे हो गई? कल फोन पे पापा से बहुत बकबक की, वो आवाज पहचान लेंगे ना, इसलिए कह दिया कि गूंगी है। तुम किसी से मत कहना हो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम जैसा कहोगी। तुम गूंगी कहोगी, गूंगी अंधी कहोगी, अंधी लंगड़ी कहोगी, लंगड़ी। सभी मजाक उड़ाते हैं मेरा, मैं भी बात कर सकती हूँ, कौन क्या करता है देख लूंगी मैं। तेरी रॉयल सीमा है तो मेरी रॉयल सिटी, ओल्ड सिटी, कुतुब शाह के खानदान की ईमानदारी से। किसने आवाज निकाली थी अभी? किसने शोर किया था? मैं सर। तुमने ऐसी आवाज निकाली थी? वो मिमिक्री सर। अच्छा, बंदर की आवाज निकालना, मुर्गी की आवाज निकालना, कुत्तों की तरह भौंकना। मेरे साथ ए, थोड़ी देर पहले जो आवाज निकाली थी एक बार आवाज निकालो। सर। कोई बात नहीं बेटा। नहीं सर। ए ठाकुर साहब कह रहे हैं तो लड़की की आवाज में बोलो, मिमिक्री करो। ए, बोल रहा हूँ तो आवाज निकालो, निकाल। सर। आप क्या करेगा ठाकुर साहब, इसकी तो पेंट गिली हो गई। थू गधा चोट्टा, पागल, मिमिक्री के लिए कहा तो पिचकारी कर दिया। ए शिनू, इसकी शर्ट निकलवा करके इसी से पुछवाओ, गधा कहीं का। ए पेंट निकाल। भैया। ए छूना मत। अब समझ में आया तुम्हें, क्यों पापा का फोन आता था तो मैं बात नहीं करती थी, क्यों मैं कभी गांव नहीं आना चाहती थी। दिस इज माय जन्म स्थल, बम स्थल, मरने का स्थल। हाउ इज इट? यहाँ इतना कुछ हो रहा है फिर भी पुलिस कुछ नहीं कहती। प्रताप, प्रताप, मिस्टर प्रताप। कौन है जो मुझे नींद से उठा रहा? सॉरी सर, बहुत समय हुआ नींद से उठ के, सॉरी। आपको आए? सारा गांव शांति से समझ रहे हो, दिन में सभी आराम से सो रहे हो। कमाल करते हैं, यहाँ बहुत शांति है सर। आप सिटी के न्यूज़पेपर में यकीन मत कीजिए, यहाँ बहुत शांति है सर। कितनी शांति है बताऊं तो, अभी थोड़ी देर पहले दो गैंग वाले आपस में चाकू निकाल रहे थे, कहीं और नहीं यहीं पुलिस स्टेशन के सामने। उस लफड़े में एक का पैर कट गया और मेरे देखते हुए लंगड़े ने जिसने उसका पैर काटा उसका सर काट दिया। अरे बाप रे, मरे हुए के भाई को बुलाकर मैंने कहा कंप्लेंट दो, मैं पुलिस वाला हूँ तभी तो मैं कोई एक्शन ले पाऊंगा। छी, मैं कोई नामर्द हूँ जो पुलिस को कंप्लेंट लिखवाऊंगा? उसे तो मैं खुद मारूंगा। और ऐसा कहते हुए पट पे मारता हुआ चला गया। अगर ये बेवकूफ इस गुस्से को कश्मीर में दिखाता तो कभी आतंक पैदा नहीं होता। लेकिन ये सब लोकल टैलेंट जेंटलमैन है सर, आपस में कटेंगे मारेंगे लेकिन हमारे बीच नहीं आएंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें और क्या काम है सर। इसीलिए ये सेल बिल्कुल खाली है सर, और ये हवलदार इसलिए वहाँ सो रहा है। मैं ऐसा ही हूँ ना सर, इसलिए फैन के नीचे सो रहा हूँ। सभी लोग सो रहे हैं, आप भी सोएंगे सर, इफ यू डोंट माइंड। सेल खाली है सर। ए रामलाल, तुम वो सेल साफ करके वो काला चादर लेके आओ। सर। सर आपको तकिए की आदत है क्या? ए वो चार गन लेके आ जल्दी, तकिया बनाने के लिए रखना। मिस्टर प्रताप। सॉरी सर, यहाँ जब तक गैंग वार ना हो पुलिस को गुस्सा नहीं करना चाहिए। सेल खाली है सर, प्लीज। इतनी जल्दी सुबह हो गई, हमें इससे क्या, हमारी तो अलग दुनिया है, दारू की दुनिया, दारू पियो मस्त रहो। सलाम वालेकुम काका। वालेकुम सलाम काकी। काका काका काकी काकी, इस गांव में
मंदिर है क्या? अरे गांव है तो मंदिर स्कूल नहीं रहेगा क्या? फिर तो मस्जिद भी होगी यहाँ। मस्जिद भी है तो कहाँ है, किधर है? वहाँ, उधर है वहाँ। शुक्रिया काका। शुक्रिया काकी। आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। सुबह सुबह मस्जिद कहाँ है? ये तो गूंगी है, फिर कैसे बात कर रही है? सुनो सुनो काकी, काकी काकी सुनो, रुको रुको, तुम तो बोल नहीं सकती हो। हाँ तो ऐसा है, जाओ। अरे अरे सुनो सुनो माँ, अरे तुम गूंगी हो तो बात कैसे कर रही हो, बताओ। मैंने कब बात की? अभी जो बात कर रही थी। अरे गूंगी कैसे बात कर सकती है, मेरा सब तो मैं दादा दादा। अरे अरे कितनी झूठ बोली है, सुनो काकी। सुबह सुबह कौवे की तरह काँव काँव चिल्ला रहा है। जीजा जीजा वो लड़की गूंगी नहीं है, गूंगी नहीं है जीजा, अरे बहुत तेज लड़की है। अभी अभी मेरे पास टीवी एंकर जैसा फटफट फटफट बोल रही थी जीजा। कौन लड़की, वो गूंगी? हाँ, मेरे पास आकर कहा काका काका मस्जिद किधर है, मैंने कहा काकी काकी मस्जिद उधर है, फिर आधा वर्ष कहा, मैंने भी आधा वर्ष कहा। और वो बगल से कच्ची दारू पीकर आ रहा है क्या? नहीं जीजा, कच्ची दारू नहीं, मेरे पास तो विस्की है। कभी मुझसे फालतू बात मत करना पनौती। फालतू बात, सही बात कही तो मानते ही नहीं, इनके पास तो दिमाग ही नहीं है। अगर ये बात किसी को बताए नहीं तो दारू उतरेगी नहीं, उतनी नहीं तो चढ़ेगी नहीं। अब किससे कहूं? 44, 45, 46। भाई हिसाब भूल गया, क्या करूं? तेरी तो इसीलिए कहा था, हिसाब भूला तो हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे शिनू, अरे चुप रह। अरे शिनू, मेरे कान में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बाल भी नहीं दिख रहे। लेकिन इस गूंगी ने बाल को आराम से निकाल कर फेंक दिया, मुझसे क्या फटफट बात कर रही थी? क्या मामू, तुम होश में हो कि नशे में हो? दारू में हूँ, इसीलिए उसका सीक्रेट पकड़ा। वो मेरे पास आकर बोली काका काका मस्जिद किधर है, मैंने कहा काकी काकी मस्जिद उधर है। क्या बात कर रहे हैं, गूंगी को बात करते सुना? कोई सुनेगा तो हंसेगा आप पे। माँ कसम, मैंने अपने कान से सुना। आपने कान से सुना हो, नाक से सुना हो, हमें क्या करना, गूंगी भी कहीं बात करती है मामा। ओहो, तुम्हें कैसे बताओ मेरे बाप। ये देखो इसको, बिना होठ हिलाए कैसे बात कर रहा है। गूंगी की बात सुनाई देती है, इसकी नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है ये कह रहा है ये। ओहो, इसके होठ हिल रहे हैं लेकिन मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड नहीं सुनाई दे रहा क्या? नहीं। मुझे तो सुनाई दे रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों रे तू क्या बात कर रहा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? ये कह रहा है रात को आपने बहुत ज्यादा पी थी, जाकर सो जाइए। तुम्हें सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है ना? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। हे भगवान, लगता है तुम कोई सस्ती दारू पीकर आए हो, आंखें कान दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा तो ठीक है, दारू के कारण ऐसा है तो तुम्हारी बात मुझे कैसे सुनाई दे रही है? मैंने कब बात की थी? अभी बात किया ना। वो बात तो इसने की थी। तुमने बात नहीं किया? मामो आप रे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। काका इसका सुनाई दिया। तुम्हें देखकर डर लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, इसलिए ब्रांड बदलो, ब्रांड बदलो। ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जा रे पागल। तुमने मुझसे कुछ कहा? मैंने बात नहीं की। तुमने बात किया? क्यों भाई? जाओ मेरे बाप, मेरी माँ के भाई। ऐसा क्या? हाँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसने मुझे पागल कहा? बाप रे, ये सब क्या है, मेरे दिन अच्छे नहीं है। अब क्या होगा मेरा? पीछा चुका, सुबह सुबह पीले रहता है, साथ भी जाना, कुछ भी पागल। ये बेचारे क्या बात करेंगे, मुझे ये सब गलत सुनाई दे रहा है। हो गया शैलू, 10 मिनट में मुर्गी का सालन रेडी, ये लो। क्या हो रहा है? चाकू ढूंढ रहा हूँ भाई, इसको काटना है। ए मुर्गी काटने के लिए चाकू चाहिए, लाए दर्द। ये लो, जल्दी से साफ करके पकड़ डालो इसे, 10 मिनट में सालन रेडी हो जाएगा। जल्लाद जिद्दी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? नहीं बदलोगे। शैलू, काकी। आज अगर ठाकुर होते ना तो इसे रेड हेड पकड़ा देता। शैलू किधर है काका? शैलू बताता हूँ, एक मिनट रुको। जीजा, ठाकुर। काका, शैलू किधर है? काकी, शैलू कहाँ है अभी बताता हूँ। अबे पागल। मैं पागल हूँ क्या? शैलू किधर है? शैलू उधर है, देखो जाओ। आदाब अर्ज़। शुक्रिया शुक्रिया। अरे सुनो, रुको रुको, थोड़ी देर रुको। अरे सुनो रुको। जीजा अभी आ जाते तो कितना अच्छा होता, मैं उन्हें सब बता देता। जीजा एक मिनट पहले आए होते जीजा तो कितना अच्छा होता। उस गुंगी ने दोबारा बात की क्या? अरे कहा तुमने जीजा? वो मुझसे पूछी शैलू किधर है, मैंने कहा उधर है, उसने कहा शुक्रिया, जब वो चली गई तब आए हो आप। हाथ मत उठाना। तुम मारोगे तो मैंने भी यहाँ कोई चूड़िया नहीं पहन रखी है। आप मारने की तकलीफ क्यों करोगे, मैं खुद मार लेता हूँ। ये मारा, ये मारा, ये मारा, ये मारा, ये मारा। शैलू तेरे सिनू ने क्या किया पता है? क्यों, क्या हुआ? आके देख, चला।
ए देख मुर्गी भाग रही है, पकड़ पकड़। मेरा सिंह अच्छा है, सोना है, दिल वाला है, ऐसा कहकर मेरे कान के पर्दे फाड़ देती थी। मुर्गिया, अरे बाप, अनबेरेबल। अब ये मुर्गी की गर्दन तोड़ेंगे लगता है। भाई भाई, आजू बाजू मुर्गियाँ लिए क्या? थोड़े लाया हूँ, कहाँ रखूँ? बोलिए। चिनू, हाँ अंडा, वेरी गुड वेरी गुड। आओ आओ शैलू, आओ, ये सब तुम्हारे लिए है। लाल मुर्गी है, काली मुर्गी है, मोटी मुर्गी है, छोटी मुर्गी है, देसी है, विलायती है, काउज है, नर है, मादा है, माँ है, बच्ची है, चाहे जितने फोटो निकालो। अंडा देते समय निकालो या लड़ते हुए निकालो, खाते हुए निकालो, बांग देते समय निकालो, उसके बाद अगर बच्चा है तो मेरा एक फोटो निकाल दो। मेरा डेली कह रहा था कि जेब में रखेगा। नॉनसेंस, तुम क्या पागल हो गए हो? रुक जा, रुक जा, रुक रुक रुक, कहता हूँ रुक। इसीलिए मैं नहीं रखता हूँ, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। अबे कहाँ जाएगा? अरे रुक जा, रुक जा, नहीं रुकूंगा, मार डालूंगा। भाई मार डालो, मेरे माँ बाप तो है नहीं, तुम्हारे हाथों मरूंगा तो इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी मुझे। अरे तुम तो मेरी जान हो रे, मैं अपनी जान को कैसे मार सकता हूँ? मर्द औरतों को गाली क्यों देते हैं पता है? मुझे कैसे पता चलेगा, मैं भी तो मर्द। बचपन में मेरे बापू अंधेरा होते ही घर आते थे, ए पागल औरत, भूख लगी है, खाना दो कहते थे। देखो आ गया, इस गांव के ठाकुर के जैसा, पहुंचते ही थाली में मुर्गी डालना है साहब को, माँ कहती थी। ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ? अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। तो अभी तक आधी बात बताइए, बताओ। तो बापू के खाने बैठते ही, क्योंरी सादा चावल दी है काली मुंह वाली, बिरयानी नहीं बना सकती थी क्या? कहते। काम करते हो सरकारी कुली की, बासी नहीं तो क्या ताजा मिलेगा, जो मिला है उसको खा लो, माँ कहती थी। क्यों, मस्ती आ गई है क्या? बापू कहते थे। नहीं, तुमको आई होगी मस्ती, ये माँ कहती थी। तेरी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ऐसा बापू कहते थे। तोड़ो तोड़ो देखती हूँ, ऐसे मेरी माँ कहती थी। तो बेचारे को हमेशा गालियाँ ही मिलती रही। यही बात मैंने माँ से पूछा। हाँ। तो माँ कहती, गाली नहीं देते तो दिन नहीं कटता, उन्हें गाली नहीं दूं तो समय नहीं कटता, यही तो प्यार है, माँ कहती थी। क्यों रे, जैसे प्यार करते हैं उसे गालियाँ देना जरूरी है क्या? इसीलिए शैलू तुम्हें गाली देती है। यानी शैलू को प्यार है? प्यार, एक दूंगा तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। क्या बकवास किया जा रहा है, उसका लेवल कहाँ, मेरा लेवल कहाँ, शैलू कहाँ, मैं कहाँ? तुलसी के पेड़ और जंगली पेड़ में बहुत फर्क होता है। बराबर है, तेरे मेरे बीच का फर्क। फिर तुम्हें भला बुरा कहा इसलिए गुस्सा आ रहा है? सॉरी शिनू, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम क्या काम करते हो ये मैं नहीं जानती, नहीं तो फ्रेंड्स के सामने तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करती, माफ कर दो। तो क्या हुआ, गाली देने की इच्छा हो तो अंदर बुला के दिया करो, ऐसे अपनी सहेलियों के सामने मुझे गाली दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारी सहेली फातिमा कैसे हंस रही थी? अब सॉरी कह रही हूँ ना, देखो सॉरी कह रही हूँ ना। ये कह रहे, हिंदी में माफी मांगकर इंग्लिश में गाली देके चली गई? वो गाली नहीं है, डेली अच्छा लड़का है, कसम से कहा है। मारूंगा। सुन यार, मेम साहब तुमसे नाराज नहीं है। उसे तो जो कहना था कह दिया, पर मुझे भी तो आई लाइक यू कहना था। फिर बोला तेरे उसके बीच का अंतर? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे आई लाइक यू कहना है। मेरी जान ले लेती। ए शैलू, शैलू, शैलू। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? I like you. क्या? सुबह तुमने कहा था ना, अब मैं कहने आया हूँ। मैंने सुबह कहा था और तुम अब आ रहे हो, कल कह सकते थे। कल तक देर हो जाएगी ना इसके लिए। अरे बाप रे, कोई देख लेगा तो? काट डालूंगा। ये लड़की बार बार क्यों उठ रही है? शैलू 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 बताओ ना, अरे बताओ तो सही, ये सब कोठा की शोर मचाएगी क्या? सुनो लड़की, अरे पहले तो गूंगी कहती थी, अपने आप को सबके सामने चुप रहती थी, सुनो सुनो तुमसे ही कह रहा हूँ, अरे समझो ये क्या करे, ठाकुर साहब को जगाएगी क्या? शैलू तुम ही कहो ना इसको कुछ। क्या ये
से नींद में चलने की आदत है। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारी हिम्मत देखना चाह रही थी मैं। कमाल करती है, मुझे तो पहले ही पता था कि लड़की की नींद में चलने की आदत है। मजाक कर रहा था। फेंक रहे हो? फेंक रहा हूँ या पकड़ रहा हूँ, अब बताता हूँ। कहाँ? आओ, 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 आओ। ये कोई इस वक्त क्या कर रहे हैं? जैसे फातिमा की नींद में चलने की आदत है ना, वैसे लगता है इनकी नींद में झूलने की आदत है। अच्छा, जाकर पूछो। नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहे हो? आओ तो। क्यों? आओ ना। बाप रे, यहाँ पर कोई नहीं है, चलो कपड़े निकालो। अरे रे, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। मैं बचपन से देख रहा हूँ तुम पागलों जैसी ड्रेस पहनती हो, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जचने वाले कपड़े लेकर आया हूँ। लहंगा, सिंदूर, कंगन सब पहन कर दिखाओ। लो पहनो। अभी यहाँ बदलो। ठीक है, मैं पीछे घूम जाता हूँ, तुम बदलो। शीनू, क्या हुआ, इतनी जल्दी बदल लिया क्या? अरे कोई देख रहा है। कौन देख रहा है शेलू तुम्हें? चंदा मामा, लड़की कपड़े बदल रही है और तुम ऐसे देख रहे हो? कोई मुर्गी चोर को पकड़ने आए हो क्या? चलो चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर बताऊं तुमको, हाँ मारूंगा। डर गया? अरे मेरा नाम भी सीनू है, अब तुम कपड़े बदल लो। हो गया शीनू। एक मिनट। प्यारी, बहुत प्यारी लग रही हो शेलू। कैसे? खूबसूरत। तो फिर प्यार करो। आओ ना। नहीं, नहीं, नहीं। क्या प्यार नहीं करोगे? इसका मतलब मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। अच्छी लग रही हूँ या नहीं बोलो ना। तो फिर एक चुम्मा दे दो। ए, मुझे चुम्मा देते हो या नहीं? या नीचे जाकर पापा को सब कुछ बता दो। ओ, नहीं नहीं, ठाकुर साहब को मत बताना। दे दो ना। नहीं दूंगा। दे दो ना। देते हो या नहीं? हाँ देता हूँ। क्या दूर से? मेरे नजदीक आओ शिनू, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। चुम्मा दो। या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ा प्यार से शीनू। कोई देख रहा है? कौन है शीनू? अरे हट! सारी रात भर पैर डालती है, हाथ डालती है, चिपक रही है, किस कर रही है, मुझे किस कर रही हो, मेरे बाल नोच रही हो। अगर थोड़ी देर और होती तो पता नहीं क्या करती। क्या हुआ है तुम्हें? ए, बे, 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 बे। जरूर इसे कुछ हुआ है, पागल हो गई है। आ रही है झूठी बहन। काकी। काका। मस्जिद को जा रही हो क्या? हाँ। अच्छा, मस्जिद में नमाज करती? करती। हाँ, आने के बाद खाना खाती? खाती। क्या खाती? बकरी की बिरयानी खाती, मुर्गी का अंडा खाती। ओहो, चाय भी खाती? अरे पागल, चाय पीती। शुक्रिया शुक्रिया। आधा बर्ज़े, आधा बर्ज़े। अब ठाकुर जीजा के सामने तुम्हारा पोल खोलता हूँ। जीजा जीजा, आप मुझे नालायक समझते हैं ना, पागल कहते रहते हैं ना। ये टेप रिकॉर्डर सुनो, वो गूंगी बात कर सकती है, सबूत लाया हूँ, सुन लो। क्या बकरा है? नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन। सुनिए, कोई बात नहीं करेगा, चुपचाप रहना, अच्छे से सुनिए। आवाज आएगी जीजा, आएगी। आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या हो गया? अरे अरे अरे, इसमें बैटरी तो है ही नहीं, आपने निकाल लिया क्या? नो डायलॉग, एक्शन। अरे अरे अरे, एक्शन थ्रिलर। ए शैलू, ये ड्रेस तुझे किसने दिया है रे? ये ड्रेस शीनू को बहुत पसंद है। तुम कहती थी कि शीनू तुम्हारा दोस्त है, फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लव है, प्यार, इश्क, मोहब्बत। ये जाकर शीनू से बता दो। माँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मेरी मुराद पूरी हुई तो एक से एक नारियल चढ़ाऊंगा। शीनू,
मैंने तुम्हें माँ से मांगा और तुम आ गई। ब्रेक डांस भी करती हूँ, पीछे मैं पीछे घूमूंगा तो तुम दिखाई नहीं दोगे, ऐसे कहो। घूमो ना। तुम हो क्यों? देवी की पूजा कर रहे हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? किस लिए? रात में मैंने सपना देखा शैलू। बुरा सपना? नहीं नहीं, शादी का, शादी का सपना। शादी? हाँ। किसकी? तुम्हारी। अरे चारों तरफ आने वाले, जाने वाले, खाने वाले, धोने वाले, बजाने वाले, अरे बाप रे बाप, कितने सारे काम मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ। तुम तो गुड़िया की तरह बैठकर बस धीरे धीरे हंसते हुए दूल्हे को देख रही हो। दूल्हा कौन था शिनू? दूल्हा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए तो तुम्हें अच्छे से संवारना है, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी है। मैंने तुम्हें माँ से मांगा और तुम आ गई। तुम्हारी भक्ति में बहुत पावर है। मेरे पापा रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं, कुछ लड़कों के फोटो आए हैं। क्या कहा? ठाकुर साहब ने मुझे बताया ही नहीं, वो फोटो देखकर उनमें से दूल्हा पसंद करने वाले हैं क्या? इसीलिए तो फोटो मंगवाए हैं। देखो तुम्हें कौन पसंद है? दो 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 दो। ये गोरा ठीक है लेकिन मूछें नहीं है, रोब नहीं है, ये नहीं चलेगा। नहीं। और ये डेंजर है। इसका मुंह देखो, एकदम चोर जैसा। नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। इसको देखो। सच कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं चलेगा। मुझे जो पसंद है उसकी फोटो मेरे पास है। बदमाश, पहले मुझे वो फोटो दिखाओ। दो दो दो। ये भी कोई मर्द है? हाँ शीनू, तुम मुझे बचपन से प्यारे हो। तुम्हारे साथ बड़ी होकर तुमसे प्यार करने लगी। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आई लव यू शिनू। शिनू, शिनू, शिनू! बाप रे बाप, तुम बहुत गलत बात कर रही हो, मैं चलता हूँ। शिनू, 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 रुको! छे! मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज? इसमें इतना पूछना क्या, लिफ्ट ही चाहिए ना। आओ बेटा गाड़ी में बैठो। थैंक यू अंकल। मोस्ट वेलकम। तुम चलो, लड़की हो, इतनी गर्मी है, कहाँ जाना है? मेरा यही गांव है अंकल। इसी गांव में? मुझे तो पता नहीं, किसकी बेटी हो? ठाकुर। पापा, ठाकुर की बेटी है। मुझे सुनाई दिया, ठाकुर की बेटी का हमारी गाड़ी में बैठना हमारा नसीब है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? चलो। आप मेरे पापा को जानते हैं अंकल? पता है मुझे, तेरे पापा मेरी जान है, जान कहे तो उनका हमारा खून का रिश्ता है। आप समझ में आया तुझे? आपके बारे में कभी सुना नहीं, आपका नाम क्या है? नायडू। क्या हुआ रे, तूने ब्रेक क्यों मारा? गाड़ी चला। शिनू जाओ। वाओ फैंटास्टिक शिनू, ऐसे वक्त में भी क्या डायनेमिक एंट्री मारी है। शादी करूंगी तो सिर्फ तुम सही करूंगी। अभी तक उतरी नहीं है, चलो चलते हैं। उतरो। शादी कब करोगे ये बताओ। शैलू ये सब क्या है? प्रेम, इश्क, मोहब्बत, प्यार। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। शिनू। शिनू, अब शादी की घड़ी आ गई है। शिनू, शादी में हमें बुलाओगे ना? तुम्हारे बारे में तो पता नहीं लेकिन मुझे जरूर बुलाएगा, क्यों शिनू? ये सब बातें करते हुए शर्म नहीं आती? इस तरह के मजाक करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा है या बुरा, इसी से पूछो। तीन बार तुमसे पूछ चुकी हूँ, चौथी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। कल शाम 4 बजे कुएं के पास आकर मुझे आई लव यू नहीं कहा तो फिर परसों मेरी लाश मिलेगी तुम्हें। डेली, मैं इधर हूँ। क्या है? मैं हूँ साहब जी, शैलू के आप पति हैं ये हमें भी पता है। क्यों रे, तू भी टेढ़ी बात करने लगा क्या? नहीं तो क्या, शैलू ने मन की बात बताई तो खुशी से झूम गए। अनजान क्यों बनते हो? गलत है ना? क्या गलत है, टाइटैनिक फिल्म में हीरोइन कौन? राजकुमारी किसे प्यार करती है, एक गरीब को? तो वो हीरो मैं हूँ क्या? दिल जले फिल्म में सपना कौन, रवीना कौन? अमीर लड़कियाँ किसे प्यार करती है? अजय देवगन से। देखकर भी समझ में नहीं आता? क्योंकि खूबसूरत लड़कियाँ रफ टफ लड़कों से प्यार करती हैं। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ, अब देरी मत करो, जल्दी से शैलू से आई लव यू बोल दो। मैं नहीं कहूँगा। नहीं बोलोगे तो उसने क्या कहा याद है ना? कूदने के लिए
है शर्त। वो नहीं कूदेगी। कौन सी शर्त? बिरयानी बिरयानी की शर्त। बिरयानी कुर्बानी नहीं होती। शैलू कुएं में कूदेगी तो मेरी तरफ से ये रिंग। नहीं कूदी तो मेरी तरफ से चैन। शैलू तुम कूदोगी तो मेरी चैन जाएगी। अगर नहीं कूदोगी तो मेरी अंगूठी जाएगी। शैलू देखो पानी गहरा है। शैलू सिन्नू आएगा। रुको कूदो। रुको कूदो। शट अप। मुझे नहीं लगता कि शिनू आएगा। तो क्या फिर कूदोगी? कूदो ना। रुको एक बार फिर जाकर उससे बात करके देखती हूँ। अबे ऐसा नहीं, एक काम कर मेरे जैसा कर। ए, चल जाने दे, ये सब स्टाइल मुझे नहीं आते। मैं अपने स्टाइल में कहूंगा शैलू तुम मुझे पसंद हो, आई लव यू। क्यों रे ऐसे कह सकता हूँ? कहने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कह दिए हो। वो कैसे? वहाँ देखो। अरे जल्दी से ठाकुर को बताना होगा। क्या कहा पता नहीं। जीजा 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 ठीक समय पर आए हो, तुम्हें एक राज की बात बतानी है। क्या रे, नायडू के किसी प्लान के बारे में बताने आया है क्या? इससे भी बड़ी बात है जीजा। क्या बकता है? अपना शिनू है ना वो। वहाँ देखो, वहाँ शिनू। अब बोल। शिनू आपको चाहता है, मुझे मानता है। अच्छा मूछे वाला गुस्से वाला बहुगुण संपन्न शिनू हमारे पास रहता है। हमें गर्व है शिनू के बारे में, इस गांव के बारे में। मैं अपनी ओर से सबकी ओर से इसे आशीर्वाद देता हूँ। ये बोलने के लिए आए हो यहाँ? हाँ, इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। हम इसकी बाजू ही तुम्हारी ताकत है, ये नहीं तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। कमर तोड़ दूंगा गधे कहीं के। जाओ यहाँ से जाओ। अरे चला गया। जीजा 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 जीजा। अब क्या हुआ, कोई और बात है क्या? अभी थोड़ी देर पहले हालात की वजह से जो नहीं कह पाया वो अभी बोलता हूँ। सुनो जीजा, आपके घर में आग लगने वाली है, आग लगने वाली बोल, है। पगले, जल्दी बोल अब क्या हुआ बोल। अपनी शैलू है ना। शैलू अच्छी लड़की है, पढ़ने में रानी, सुंदरता में महारानी, फूलों जैसी बात करती है, कोयल जैसी गाती है, मेरी सोनी गुड़िया मुझे अच्छी लगती है, तुम भी समझो जीजा। पगला कहीं का? ओह मेरी तारीफ कर रहे हो क्या मामा जी? क्या बताने वाले थे पापा को? बहुत कुछ बताना चाहता था, जो बताना चाहता था भूल कर भी तुम्हें नहीं बता सकता मैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? पता नहीं कब पैदा हुआ मैं, लेकिन कितने दिन तक जियोगे मुझे पता है। कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं देखूंगा। चुप रहना, किसी को बताऊंगा नहीं। देखा तो, कहा तो, तुम मुझे जीने नहीं दोगे, मुझे सब पता है। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारा, तुम जाओ 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 जाओ। लगता है आप थक गए हैं, पानी पियेंगी क्या? क्यों नहीं पीऊंगा, थोड़ा दारू मिला के लाओ। लेके आओ लेके आओ लेके आओ। गई, अब मैं क्या करूं? क्या ठाकुर, बहुत दिन हो गए मिले, अभी तेरे ही बारे में बात कर रहे थे, इतने में तुम आ गए। 100 साल तक जिंदा रहोगे तुम? मुझसे उम्र में बड़े हो तुम, तुमसे पहले जाऊंगा तो तुम्हारा अपमान नहीं होगा। एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया क्या? आइए अंदर चल के बात करते हैं। अरे ऐसे क्या पागलों की तरह देख रहे हो, चलो अंदर अंदर चलो। कुछ भी नहीं, कभी से मेरे दिल में ऐसा चल रहा था जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। यही सब नायडू ने कल फोन करके बताया। लफड़ा खत्म कर देंगे, तुम क्या कहते हो बोलो। हाँ ठाकुर, कितने साल हो गए तेरे से दुश्मनी किए, अब मुझसे नहीं होगा, इसलिए तेरे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? तुंगभद्र वाले नाले का प्रोजेक्ट तुम ले लो, मेरे पास हुए सारे टेंडर तुम ले लो, मेरे MLA का टिकट भी ले लो, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जिताने के लिए मैं गांव गांव जाकर गली गली जाकर तुम्हारे लिए वोट मांगूंगा और तुम्हें जिताऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना ही नहीं, तुम्हारे हार पे अपने खून से तिलक लगाकर तुम्हारे लिए काम करूंगा। पर एक कंडीशन। अभी क्या सोच रहे हो, ठाकुर के लिए तुम अगर 10 कदम आगे आए हो तो क्या ठाकुर तुम्हारे लिए 1 कदम आगे नहीं आएगा? बताओ क्या कंडीशन है बताओ। सीनू का सर चाहिए। आराम से पी सीनू, कोई याद कर रहा होगा। ठाकुर साहब के अलावा कौन मेरा भला चाहेगा, वही याद कर रहे होंगे।
जीने के लिए कोई काम वाम कर सके। ए, क्या है तेरी बड़बड़? दिन भर मेहनत करेंगे तो क्या देते हैं? हा? हा? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। वही हम नायडू के साथ रहेंगे तो खाने को कबाब, पीने को दारू, पैसे ही पैसे। क्यों, अपनी शादी से पहले कभी बिरयानी खाई हो क्या? कहीं जाना तो बस के अलावा कार में बैठी हो क्या? वही मुझे देखो, नायडू जी के दिए हुए जीप में कितनी शान से घूमता हूँ मैं, कितनी इज्जत है मेरी। ऐसा लगता है जैसे कोई नवाब शान से चला जा रहा है, समझी? हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, जीप में घूमने से रुबाब पड़ता है। किसी दिन किसी ने तुम्हें मार दिया तो क्या हो? मार डालो, मुझे मार डालो, मगर तुम्हें उस नायडू के लिए काम नहीं करने दूंगी। ए, कभी नहीं। नायडू जी हमारे भगवान है। नायडू क्या कोई भगवान है? अगर वो तुम्हें 4 पैसे देता है तो किसी भी बेकसूर की जान ले लोगे? नायडू के बारे में कुछ कहा तो सबसे पहले तुझे मार डालूंगा। मार डालो, मार डालो, रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मर जाऊं। मार डालो मुझे, मारते क्यों नहीं, मारो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटी? चुप हो जा, सो जा तुम। पापा, तुम मर जाओगे ना? तुम्हारे पापा को कोई मार डालेगा, ऐसा सभी स्कूल में मुझे कहते हैं। तुम मरना नहीं, हमें आपकी जरूरत है पापा। अगर तुम मर जाओगे तो मेरा और माँ का क्या होगा? हम भी मर जाएंगे। इस छोटी बच्ची को इन सब बातों का पता कैसे चला? तुमने बताया होगा इसे। ये सब क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम सबके लिए कर रहा हूँ? सुनिए, सुख हो या दुख हो, मेहनत मजदूरी करके जिएंगे। उसके पास मत जाइए, मत जाइए। नहीं जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। ये शेर के ऊपर सवारी जैसा है, एक बार सवारी चढ़ने के बाद उतरूंगा तो वो शेर हमें खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। मारना है, मारना ही है। तेरा सर मांगने वाले का सर सुबह तक कट के गिरना ही चाहिए। ए शिनु, वो नायडू, वेंकैया नायडू रेलवे स्टेशन गया है। किसी को बिना पता चले तुम अकेले मेन रोड से जाओ और गांव के नाके के पास वहीं से काट डालो। ए सांभा, ठाकुर साहब, तुम दूसरे रास्ते पर इंतजार करो। ठीक है। ए दस्तगीर, ठाकुर साहब, तुम 14 मील पर अपने लोगों के साथ वहीं रहो। गलती से अगर शिनू के हाथ से बच गया तो तुम लोगों के हाथों से मरना ही चाहिए। जाओ। हेलो नायडू, मैंने शिनू को राजी कर लिया है। वो ठीक आधे घंटे बाद गांव के नाके के पास अकेला पहुंचेगा। उसका हाथ लेते हो, पैर लेते हो या सर लेते हो, ये सब तुम्हारी मर्जी है नायडू साहब। तुमने जो किया, जो सोचा है वो होना चाहिए, समझ गए तुम? क्या हुआ, वो ठाकुर राजी हो गया क्या? राजी नहीं, राजनीति। दुश्मन को आगे जाकर नहीं मार सकते तो पीछे से खंजर घुसा देना चाहिए। शिनू जब तक जिंदा है कोई ठाकुर के ऊपर चाकू ही नहीं, आग भी नहीं उठा सकता। इसलिए पैसों से शिनू के जान पे बाजी लगाया हूं। अब तुम लोग जल्दी से जाओ और मौका मिलते ही शिनू का सर काटकर मेरे पास लेकर आओ। क्यों रे, तेरे को पसीने क्यों आ रहे हैं? जीजा, शिनू अपना है। अपना है? अपने जात का है, अपने घर का है। उसे ठाकुर के लिए जीना है और ठाकुर के लिए ही मरना है। पर वो आपके बेटे जैसा है जीजा। बेटा? वो मुझसे पैदा हुआ है क्या? मेरी शक्ल जैसा दिखता है क्या? घर की मुर्गी को, बकरी को पालते हैं काट कर खाने के लिए, बेटे जैसा प्यार करने के लिए नहीं, समझ गया तुम? उसे वो नायडू मारेगा तो हमें करोड़ों का फायदा होगा। बाद में ऐसे 100 आदमियों को तैयार करूंगा मैं। ये कहीं बोला तो तेरी जान ले लूंगा। मुझे क्या शैलू, तुम मेरे साथ हो, भगवान जैसे ठाकुर हैं, मेरे माँ बाप अब तुम ही हो, मेरे माँ बाप अब तुम ही हो। बेटा, वो मुझसे पैदा हुआ है क्या? मेरी शक्ल जैसा दिखता है क्या? घर की मुर्गी को, बकरी को पालते हैं काट कर खाने के लिए, बेटे जैसा प्यार करने के लिए नहीं, समझ गया तुम? समझ गया तुम? समझ गया तुम? Oh,
कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है ठाकुर साहब। वो लोग पहले से तैयार थे, हमारा प्लान नायडू को पहले ही पता था, उनका भी कुछ प्लान हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आप संभल कर रहिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। तेरे रहते मुझे क्या होगा रे, ये सब कैसे हुआ मैं पता करवाता हूं आज। तुझे भूख भी लग रही होगी, गर्म पानी से नहाकर खाना खा लो। तुम्हें क्या हुआ शैलू, अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे क्या हुआ, मैं कोई रसगुल्ला थोड़ी हूँ, मेरी भी स्टाइल है। ठाकुर साहब से सीनू कहेगा तो स्टाइल में ही कहेगा ना। किसी दुश्मन ने पीठ पर वार किया शैलू, ये कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। आओ पट्टी बांध देती हूँ, भूख लग रही है शैलू। इतने आदमी हैं, उसे खाना देने वाला कोई नहीं है क्या? कुछ भी हो, शीनू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे सच्चाई बतानी पड़ेगी, बताऊंगी। शीनू। क्या हुआ शैलू? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। अरे शीनू पागल मत बनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ। सुमो फिर से रिपेयर होकर आई है, देख ले। ए, सब मैं बताऊं, ले जाकर शेड में छोड़ दो। हाँ चलो, क्या बोल रही थी? बारिश हो रही है, कपड़े डालो, चलो कुछ भी करना, चलो जल्दी करो। यानी मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो? आओ ना। बताओ ना शैलू। शीनू मेरी बात गौर से सुनो, मैं। अरे शीनू। हाँ। ठाकुर साहब तुमको बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी से आओ, मैं बोलता हूँ। अब पता नहीं और क्या हो गया, चलो तुम रुको मैं आता हूँ। शीनू। आ गया वो। आपने बुलाया? बड़े हो गए हो, मूछें आए तो काट सकते हैं उन्हें, जवानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर तो जवानी संभालने के लिए शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। घबराओ मत घबराओ मत, जैसे गाय की नाक में रस्सी बांधते हैं वैसे ही आदमी की शादी करते हैं, और वो शादी ये देखो इस लड़की के साथ करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाप ने अपने बेटी की शादी में हीरो होंडा देने की बात कही है, तुमने अगर हाँ कह दिया तो इसी महीने शादी होगी, मेरे ही घर से शादी होगी, ठीक है? मान सिंह तुम मुहूर्त निकालो, शादी का दिन तय करो। हमारा आपके सिवा कौन है ठाकुर साहब? ये शादी आपको ही करवानी है, लड़के को हीरो होंडा दे देंगे। ठाकुर साहब मुझे शादी नहीं करनी। क्यों, लड़की पसंद नहीं है या कुछ और बात है? वो दरअसल मैं अभी अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में करोगे शादी? कैसी बकवास करते हो, जब भी सड़ जाएंगे तब उसे बोओगे, जब सीजन बीत जाएंगे तब। क्यों तुम कैसे मर्द हो, अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे? अच्छा एक बात बताओ, किसी से वादा तो नहीं किया? वादा? अच्छा ये बात नहीं तो दिल दिया, क्यों रे, किसी से प्यार किया है तो बता दो, बता दो। क्या रे तेरा नाटक, सच में तू किसी से प्यार कर रहा है क्या? बताओ, इंसान से ही प्यार किया है ना, किसी गाय या बकरी से तो प्यार नहीं किया है? अरे बोल गूंगे कहीं के चुप क्यों है? बोतल चोर की बेटी से प्यार किया है या उस दर्जी की बेटी से प्यार किया है या उस चप्पल सीने वाली की बेटी से प्यार किया है? चुप क्यों है, बोल जल्दी बोल, बोल बोल। ए लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। बताओ शीनू, किससे शादी करना चाहते हो, ये बात बता दो, शर्माने की कोई बात नहीं है, बताओ शीनू। मैं, हाँ बोल। मैं वो, अरे अब बताएगा भी, शैलू से। जब इतना बता दिया तो पूरा बता देना। प्यार करता हूँ। रुको रुको रुको, क्या रे, मैंने कोई गलत बात सुनी क्या?
बोल कि मैंने गलत बात सुनी है। जी नहीं, आपने सही सुना है। मैं और शैलू एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये क्या कह रहे हो शिनू? क्या तुम मेरे बारे में ऐसी बातें सोचते हो? हम साथ मिलकर बड़े हुए हैं, वो प्यार है। माँ बाप नहीं है, अनाथ हो, ये सोचकर अच्छे से बातें की, यही मेरी गलती थी क्या? बड़ा अच्छा सिला दिया, जाओ यहाँ से। जिंदगी में कभी अपना मुंह मत दिखाना। चलो। एक बार कहा ना, चले जाओ, जाओ। ये बातों से नहीं समझेगा तेरी ये बात। अरे बाप रे। क्या रे? मेरे घर का जूठन खाकर तू बड़ा हुआ है कुत्ते? तेरी ये मजाल कि तू मेरी बेटी से प्यार करेगा? गलत बात बोलता है कुत्ता कहीं का। बताओ, बोल 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 बोल। मैं भी चाकू कहा है, लाओ लाओ चाकू तो मुझे। पापा, आज मैं इसे जान से मारूंगा। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, प्लीज छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए, नहीं छोड़ूंगा, जाने दीजिए पापा, वो चला जाएगा यहाँ से अपने पापों के साथ। इतने दिन मेरे पैरों के नीचे था, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ दिया हूँ मैं। जाओ जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ गाँव से, हमेशा के लिए निकल जाओ। तेरी मनहूस सूरत मैं नहीं देखना चाहता। शैलू, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है शैलू। बेचारा सिनू, तेरे पापा के मार से नहीं बल्कि तेरे किए हुए अपमान से वो कहाँ चला गया होगा पता नहीं, बेचारा कितना दुखी होगा। गांव के लाल पहाड़ के पास अकेला है, बिना हथियार का है। नायडू, तुझे एक और चांस दे रहा हूँ, तुम जाओ या फिर अपने सारे आदमियों को भेजो, शाम तक मुझे शीनू की लाश अपने दहलीज पर सुलानी है, उसके सर के पास दिया जलता हुआ देखना चाहता हूँ। नहीं तो नायडू, तेरे मेरे बीच जो समझौता हुआ है वो टूट जाएगा, समझ गया तुम? मानने जा रहे हो? आओ आओ, ये बम देख रहे हो, इससे तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे। आओ आओ आओ, एक एक को देख लूंगा। आओ, अरे भागते कहाँ हो? आओ, अरे एक एक को देख लूंगा, हिम्मत है तो सामने आओ। आओ, मैं कहता हूँ कि सामने आओ। आओ, तुम्हें जीना है शिनू, मैं क्या करती? पापा से तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं जानता हूँ शैलू, तुमने बिना वजह ऐसा नहीं किया होगा। भाई डेली, डेली, क्या हुआ? भाई, भाई, ठाकुर ने तुम्हें धोखा दिया है, नायडू से हाथ मिलाकर तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। भाई,
क्यों रे, रुक क्यों गया? मेरी आंखों में तुझे नायडू दिख रहा है क्या? मुझे मारेगा तो नायडू तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। डर रहा है तू? डर रहा है? काट, दम है तो काट डाल मुझे। काटूंगा। मरने से पहले आखिरी बार भगवान को नहीं, नायडू को भी नहीं, तू अपनी बीवी और बच्चों को याद कर, याद कर। सुख हो या दुख हो, हम रूखी सुखी खाकर जी लेंगे, पर आप उसके पास मत जाइए। एक बार तू अपनी औलाद, अपनी बेटी को याद कर। पापा, अगर तुम मर जाओगे तो मेरा और माँ का क्या होगा? काटा लूं? अब काटो, काटो। बच्चे को मार दिया तूने, ना समझ था बेचारा, मेरे लिए उसे मार डाला तूने। ए, मैं जितना ठाकुर का वफादार हूं उतना ही तुम नायडू के। आज ठाकुर को मेरा सर चाहिए, कल नायडू तुम्हारी लाश मांगेगा। उनके लिए हम आपस में लड़ते हैं ना, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। छे, क्या कहा? सीनू शैलू को ले गया, कहां गया? धोखेबाज कहीं के, माँ बाप और भगवान से भी ज्यादा समय मैं तुम्हारे पास बिताया करता था। तेरी जान को अपनी जान से बढ़कर माना, तेरे पास कुत्ते की तरह वफादार बनकर रहा, लेकिन तुमने उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। मेरी जान लेने के लिए उस नायडू से हाथ मिला लिया। यही चाहते हो ना, गांव छोड़कर चला जाऊं? तो जा रहा हूं, लेकिन तुमसे डर कर नहीं जा रहा, बल्कि इस गैंगवार से दूर होने के लिए जा रहा हूं। और अकेला नहीं, अपनी शैलू को साथ लेकर जा रहा हूं। अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए मुझे। सीनू, मुंह खोला तो जीभ काट लूंगा। खत्म कर दो। ए, 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 पता है ना, सीनू 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 नाम है मेरा। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका सिर खरबूजे की तरह उड़ जाएगा। ए ठाकुर, गांव पार करने में पूरा एक घंटा लगता है, तुम चाहो तो फोन करके पुलिस को बुला सकते हो। जितने आदमियों को बुला सकते हो बुला लो। डरे हुए क्यों हो? जाओ, उसके गांव छोड़ने से पहले उसे खत्म कर दो। जाओ जाओ जाओ। शेर को हिरन की तरह मिल गए हो। ए, डाल दो रो। एक कदम आगे रखा था टुकड़े का डालूंगा। ए सिनू, तू जा यहां से, इन सबको मैं देख लूंगा।
ए सूरी, क्या हो गया है तुम्हें? अब मेरी बंद आंखें खुल गई हैं, तू जा यहाँ से। ए! 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 ए सूरी, ये बात नायडू को पता चली तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। ए! ये जान जाती है तो जाने दे, गुलामी की जिंदगी जाती है तो जाए, वो दोनों तो अच्छे से रहेंगे हा? चाहे मैं मर जाऊं। कितनी बार कहा कि यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं नहीं नहीं। अब अपनी जान तकलीफ में डाली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अगर वो आ गए तो? ए, क्यों परेशान हो रही हो? देखता हूँ कौन आता है। अरे फिर से वही, ये से छोड़ दीजिए, अब चलिए यहाँ से, चलिए ये पकड़ो, चलिए ना, चलिए। कहाँ ले जा रही हो? नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे 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 नायडू जी, मेरे पति को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा, उन्हें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें जाने दीजिए, मेरे पति को मैं लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, माफ कर दीजिए। क्यों माफी मांग रही हो? देखता हूं कौन क्या करता है। मुंह बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो, अब कुछ मत बोला, कुछ भी मत बोला, इन्हें माफ कर दीजिए, ये कुछ नहीं समझते कि क्या आप क्या है, इन्हें माफ कर दीजिए, हम बहुत दूर चले जाएंगे, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी बेटी को देखिए, मैं इसे देखिए, इसे अनाथ मत बनाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, राजू भैया, अर्जुन भैया, भैया आप लोग भी इन्हें समझाइए, हम लोग दूर चले जाएंगे, आप लोग तो समझते हैं, हम चले जाएंगे ना, हम इनको लेकर चले जाएंगे, मेरी बच्ची को अनाथ मत बनाइए, मुझे विधवा मत बनाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलो चलो चलो, क्या हुआ शीनू? दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई देता, हम जिस ट्रेन में आए हैं उसका इंजन भी नहीं है, कहाँ है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, हम तो लगता है जैसे जंगल में फंस गए। क्यों टेंशन ले रहे हो? गांव छोड़ने के बाद इस जंगल में हम आराम से रहेंगे। ठीक है तुम चुप रहो। क्या कहा तुमने? कोई ट्रेन आएगी या नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से देखोगी तो दिखाई देगी क्या? आँख से नहीं, कान लगा कर देखना पड़ता है। कान से? हाँ, पटरी पर कान रखकर सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि दूर से कोई ट्रेन आ रही है या नहीं। तुम क्या कर रही हो शैलू? क्यों, मेरे कान नहीं है, मैं सुन नहीं सकती, सुनो। हाँ शीनू, ऐसे देखेंगे तो ट्रेन जरूर रुकेगी। ट्रेन का तो पता नहीं पर लगता है मेरी धड़कन रुक जाएगी। शीनू, शीनू, क्या है शेलू? तुम्हें ऐसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है शीनू। बहुत अच्छा लगेगा, ट्रेन आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। अरे रुको रुको रुको, अरे हमें ले चलो, ले चलो हमें। ट्रेन चली गई, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें हंसी आ रही है? और नहीं तो क्या, तुम ऐसे ट्रेन को हाथ दिखाकर रोकोगी तो ट्रेन रुक जाएगी, पागल हो गए हो? ए शीनू, ये क्या किया तुमने? क्या है ना, लाल कपड़ा लहराएंगे तो चाहे कोई भी ट्रेन क्यों ना हो, बैलगाड़ी की तरह रुक जाएगी, फिर हम उसमें बैठ। क्या देख रहे हो? दुपट्टा पहन लो ना। तुम कहोगे तो ऐसे ही रहूंगी। और ट्रेन आई तो मैं उधर घूम जाता हूँ। चीनू, अरे यार तुम सामने क्यों आ रही हो? एक बात बताओ, ऐसे अच्छी लगती हूँ
या दुपट्टे में अच्छी लगती हूँ। तुम जैसे भी रहो अच्छी लगोगी, मुझे कुछ कुछ हो रहा है अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ऐसे। देखो देखो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, ट्रेन आएगी तो मुझे बता देना। शीनू ट्रेन आ रही है। ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ट्रेन आई ट्रेन आई ट्रेन आई ट्रेन आई। चलो ए ए ए चलो, क्या कर रही हो? अरे वहां का चली गई। अरे ए रुको शीनू, अरे ट्रेन रोको, मैं यहां हूं। ए ट्रेन रोको ट्रेन रोको। हाय चलो चलो चलो, वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आ जाओ, ट्रेन आएगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। चलो, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ बॉम्ब नहीं है, चाकू तलवारी नहीं है, मौत की चीख नहीं है। हाँ यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। नो फूड। अच्छा है ना शीनू? भूख से चक्कर आ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो एक पैर का रिंग जो चीज पे गिरेगा वो उसकी हो जाएगी। आ जाओ देखो फायदा ही है, फायदा होगा। आ जाओ आ जाओ, ये तो मुझे घसीट कर इस खेल के पास क्यों ले आई हो? हम रिंग डालेंगे ना। हाँ नहीं 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 प्लीज शीनू, हम रिंग डालेंगे ना। फिर भजिया? ये क्या भजिया भजिया चिल्ला रहे हो? पहले घर का सामान खरीदना जरूरी है। लाओ पैसा, लाओ रिंग दीजिए। ये लीजिए मैम साहब, 10 रुपए की 10 रिंग लीजिए, डालिए डालिए। क्या साहब? जिसके ऊपर गिरेगा वो दोगे ना? वही तो कह रहा हूँ, जिस पे जो गिरेगा वो आपकी हो जाएगी। अपना किस्मत अजमाइए, अपनी किस्मत अजमाइए। आइए साहब आइए, आइए साहब आइए, ले जाइए किस्मत पे डालोगी शीनू? साबुन तेल पेस्ट कोलगेट मुझे नहीं चाहिए, मेरी नजर 500 रुपए पे। ठीक से डालना। हाँ ये क्या है? बम फेंकने वाला हाथ, देखती जाओ मेरा निशाना। साबुन जीत गए साहब, एक रिंग में कितना फायदा है, ले जाइए, ये सामान आपका हो गया, ले जाइए। हमेशा बॉम नजर आता है, कुछ और नजर नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है, हाथ फिसल गया मेरा। ओ। लेकिन अब देखना सीनू का कमाल मैं क्या करता हूँ। गिरा साहब आपको काजल का डिब्बा, लीजिए साहब लीजिए साहब, ये जीत गए आप, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, 1 रुपए का 1 रिंग है, आइए और अपनी किस्मत आजमाइए। अरे गलत जगह रिंग मत डालिए, सही जगह डालिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ सुनो, ये लेकर पैसे वापस दे सकते हो? कम से कम चाय पानी पी लेंगे। नहीं होगा साहब, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। रिंग डालिए और अपनी किस्मत आजमाइए। गरीबी में आटा गीला किया। मुझे मैं ट्राई करती हूँ। तुम? हाँ। निशाना लगाना औरतों का काम नहीं मर्दों का है, इसीलिए नहीं मिली। अब मुझे देखो, आंखें बंद करके डालूंगी। गोविंदा गोविंदा, गया क्या? देखो, अरे बाप रे, 500। चलो शीनू अपनी ट्रेन। ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, होल्ड ऑन रुक जाओ। अरे हमारे कपड़े हैं उसमें। जानते हैं इनको अच्छी तरह से? हवलदार कंप्लेंट लिखिए। क्या शीनू को देखा?
हाँ, सीनू बेहोश था शैलू। उसकी हालत बहुत सीरियस है। किसी ने उस पर चाकू से वार किया है। कोई और नहीं थी, मेरे पापा के आदमी थे। फातिमा, शीनू कहाँ ये किसी को मत बताना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम शीनू को बचाओ प्लीज फातिमा, आई बेग यू। ए गधो, मार के आने को कहा तो चाटे मार कर आते हो। वो फातिमा के साथ ओल्ड सिटी में बैठा हुआ है, वो जिंदा आया तो हमें जीने नहीं देगा। जाओ जाकर खत्म करो। रुको रुको, हाँ, इतिहास का पुराना बस्ती, वही चार मीनार। 1967 में चार मीनार सिगरेट कंपनी वालों ने इसे बनवाया था पब्लिसिटी के लिए। बंद करो, फातिमा यहाँ रहती है या नहीं इस बच्चे से पूछो। अरे बच्चे, फातिमा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, उस गुंगी का घर कहाँ पे है? भाई लगता है उसको समझ में नहीं आ रहा। ओ, नहीं आती है तो क्या हुआ, चलो हम ही सीख कर आते हैं। साइड में हटो। ए फातिमा कहाँ रहती है बता, नहीं तो दुकान तोड़ डालूंगा। चलो मेरे साथ। ये क्या बोल रहा है पागल, ये अपने पीछे आने के लिए कह रहा है, चलो चलो इसके पीछे। ये पागल हमको पीछे आने के लिए कह रहा है, इसको बोलो पहले ये जीप में बैठे। अरे पागल तुझे। अरे तू बे। मुझे बोला क्या? बोलो। ऐसी छोटी मोटी गली से गाड़ी नहीं चलेगी, पैदल चलो। ये क्या गलत सलत कह रहा है? गलत नहीं कहा, इस गली में जीप कैसे जाएगी, जानवर के जैसे हो, पैदल नहीं चल सकते। चलो चलो पैदल चलो। अगर ये हमारे गाँव में होता तो इसकी जुबान काट सकते हो, कहाँ जाएगा, अपने सामने ही रहेगा। चलो चलो। अपनी शहर की गलियां क्यों घुमा रहा है, घुमा घुमा कर अपने गांव ले जाएगा क्या? अरे चुपचाप चलो ना। क्या चलने का, ये देखते हैं कि क्या है। लेकिन ये एरिया पहलवानों का है, मुझे शक है। अरे देखो उसने स्पीड बढ़ाया, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। धीरे धीरे चलो भाई, पीछे जो गुंडे हैं उसमें अस्थमा पेशेंट हैं। अरे अरे बोला तो और दौड़ के भाग रहा है। अरे रुको चलो, अरे वो तो दौड़ कर भाग रहा है। चलो चलो दौड़ो दौड़ो, तेज चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी भागो भागो, तेज भागो, चलो अरे चलो चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चल जल्दी चल। अरे भागो, हाँ रुक गया रुक गया रुक गया। अब बताओ रे क्या बात है, उस गुंगी का घर कहाँ पे है? ए शराफत से हमें बता दो, फातिमा कहाँ है? नहीं बताया तो? नहीं बताया तो? नहीं बताया तो क्या करेंगे? हाथ पैर काट के रख दूंगा। हाँ। काटोगे? अरे ओ सलमान, उस्मान, रहमान, जावेद, फखरुद्दीन, जीना, अमीन, अमनुल्ला, अजरुद्दीन, मोहम्मद भाई, अफरीद भाई, जकीर भाई, नवाब, दाऊद, कादर भाई, खान भाई, वली भाई, अरे बोले मियां। अरे मैंने पहले ही कहा था इसके पीछे मिलिट्री फोर्स है। अरे इसके फोर्स से कौन डरता है? ए, अगर तुम लोग आगे बढ़े तो सबको मार के रख दूंगा। मारो मारो तेरी तो, अबे तुझे मार मार के टुकड़े टुकड़े करके चार मीनार के चार रास्ते में किलो के हिसाब से बेचूंगी तुझे। हाँ। वो लड़की गूंगी नहीं है। की है, मैंने कहा था लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुना। वो पहलवान है पर उसे बच्चा समझ कर तुम लोग उसके पीछे पीछे चले आए। ठीक है तेरा करम, मैटर बताने के लिए एक को तो बचना चाहिए ना, आपस में देख लो। मैं तो भागता हूँ यहाँ से। फातिमा आधा वर्ष है। क्या बे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल बे चल। ए फातिमा इज्जत से सीनू का एड्रेस बता दे। अबे पागल, प्यार के लिए जान देने वाले कुतुब शाह पैदा हुआ है इस जग में और उसी के खानदान की हूँ मैं। सीनू को अगर हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो खबरदार। ए तू अपनी जबान बंद कर। ए मारो सीनू को। मारो साले को। ठीक है, यहाँ आकर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह अच्छा करेगा। हाँ सीनू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो।
शिनू 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 शिनू, उस हरामखोर से तुम्हें प्यार हो गया है जो सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पला है। तुम हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? चलो तुम अंदर चलो। अरे आप यहाँ क्यों आई हैं? कंप्लेन देनी है। कंप्लेन? 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 आपको कंप्लेन देने की क्या जरूरत है? आपके पापा को पता चला तो हमारी जान ले लेंगे, आपकी प्रॉब्लम वही सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अपने पापा से प्रॉब्लम है, यही कंप्लेन देनी है। देखिए, मेरे सर्विस में पुलिस स्टेशन में ये पहली कंप्लेन है, वो भी ठाकुर के खिलाफ। ये बात उन्हें पता चला तो कंप्लेन आप लिखेंगे या मैं लिख कर दूं? आप सुनिए, मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं और समझने की कोशिश करें। आपके पापा के बारे में, अपने क्या हो गया? समय पे इंस्पेक्टर भी नहीं, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पत्थर के ऊपर आराम से सोया होगा। यहाँ मेरी जान पर बनाई है। ये लीजिए, अभी एक्शन लीजिए। बालिग लड़की को डांट कर मार कर घर में कैद करके जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट है। मेरे इस इलाके की सर्विस की ये सबसे पहली कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट किसने दी है पता है? छत्रपति शिवाजी की दुर्गा माता जैसी तेरी बेटी सैलू ने मेरे हाथों में ये पेपर दिया है। अब तेरा बचना मुश्किल है। पुलिस 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 के ऊपर हाथ डालता है? ए क्या रे, तेरे चमचों को बताया नहीं? तेरी दी हुई भीख की लुंगिया पहनकर हाथ में चाकू पकड़ के घूमने वाले तेरे कुत्ते को इतना घमंड है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दी हुई ये खाकी वर्दी पहनकर लाइसेंस गन के साथ मुझे कितना घमंड होगा? क्या बकवास कर रहा है? किससे बात कर रहे हो पता है ना? ये रायल सीमा के ठाकुर का घर है। कंप्लेंट हाथ में आने के बाद तुम ठाकुर हो तो क्या, कोई हो तो क्या? तेरी रॉयल सीमा हो तो मेरी भी रॉयल सीमा है। तुम ठाकुर हो तो मैं भी ठाकुर हूँ। प्रताप प्रताप ठाकुर, रॉयल सीमा कहे तो बम को, चाकू को, खून को, रक्तपात को, लड़ाई के गढ़ को कहना नहीं रे। विजयनगर साम्राज्य को कोई तकलीफ के परिपालन करके भारतवर्ष की खयाती को बढ़ाने वाले राजा के राज किया हुआ गढ़, वो रॉयल सीमा है। अपनी रॉयल सीमा, उसे वो बड़े गर्व के साथ कहते थे। दुनिया में सबसे अलग पवित्र क्षेत्र अपना तिरुपति, द ग्रेट लॉर्ड वेंकटेश्वर प्लेस वेयर ही स्टैंड इज माइन, वो पवित्र भूमि हमारी रॉयल सीमा में है। ये बोलकर मैं कोने कोने में चिल्लाऊं क्या? ये दाती मंत्रालय दृष्टि के नाभि स्थान में खड़ा हुआ श्री शैल क्षेत्र हमारा है, कहकर पूरे दिल से आराम से बोलो। काल ज्ञान से भविष्य बताने वाले वीर ब्रह्मदेव स्वामी पैदा हुए हमारी पुण्य भूमि पे। भारत देश के राष्ट्रपति पद की सेवा किए हुए एक ही एक रॉयल सीमा के नीलम संजीवा रेड्डी अपने इलाके के हैं। ये है अपनी रॉयल सीमा का इलाका कह के नशे फटने तक चिल्ला के कहो। महान लोग, महान पंडित यहाँ पैदा होके नाम किए हुए इस पवित्र भूमि के चरित्र को खून से मिटाकर इस भूमि पे गैंगवार फैलाकर तुम गैंग लीडर हीरो जैसे मूछों को ताव देकर मर्दानगी दिखाते हुए रॉयल सीमा को रक्तपात सीमा कहकर लोगों को डराते हुए शर्म नहीं आती तुमको? ए, आके फाड़ के क्या देखता है और ये दांत दबा के क्या मुझे डराना चाहता है? मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, तेरी आंखें खुल जाएं। सैलू चलो मेरे साथ। ठाकुर तुम मेरी नसीहत याद रखना, समझे? चलो ए, खत्म कर दो इसे। क्या रे, टकले निशाना चूक गया समझ रहा है? राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया है, इसीलिए मुझे नौकरी मिली है। मुझे एक्शन लेने से पहले वार्निंग देने की आदत है, इसीलिए बाजू में चलाई। गोल्ड मेडल तड़का देखना नहीं चाहते तो एक कदम आगे मत बढ़ाना। वो बुलेट वेस्ट होगी तो चलेगा, डिसिप्लिन सिखा। अब ये यहां से नहीं लेंगे, चलो।
क्या रे, तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो ये 10 कदम आगे बढ़ाता है, तुम एक तरह से सोचते हो ये 100 तरह से सोचता है। ये लीडर है, ऊपर उड़ते हो देखा है ना, एक बार नीचे देखो। लैंड माइंस पहले जाएंगे, जीप थी इसलिए 30 फीट ऊपर उड़ी, तुम तो ऊपर उड़े तो नीचे बहुत बुरी तरह गिरोगे, कौन सा पीस किसका है पता नहीं चलेगा। अब समझ में आ गया, सीनू कहे तो हीरो, कम ऑन हीरो, कम ऑन। सुनो इधर आओ, गाड़ी में बैठो, तेरी हीरोइन को ले जा, बिना मतलब डुएट गाना गाकर टाइम वेस्ट मत करना, शादी कर ले। हाँ, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर, बाय। सो माय डियर गैंगवार के असिस्टेंट, तुम्हारा क्या होगा, अच्छी क्लास पढ़ा दूंगा। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। शाबाश, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, कल तक मिट्टी खाने वाले सांप की तरह सो रहे थे, अचानक ऐसा फन निकाला और डस लिया ठाकुर के लोगों को। मेरा क्या है, असल में आप कहें तो, हाँ वो ठाकुर है ना। वाह, वो बात तो सारे गांव को पता है, उसे उड़ाने के लिए कितनी बार प्लान किया। 15 साल पहले लाल पहाड़ के पास बम फेंका था मैंने, लेकिन जीप उड़ गई, उसकी बीवी, ड्राइवर, ड्राइवर की बीवी मारे गए, वो तो जीप में था ही नहीं, बच गया। 3 साल पहले मैंने MG रोड पे भी बम रखवाया था, वो वहाँ से भी भाग गया, मैंने उसको मारने के लिए कई बार प्लान किए लेकिन हर बार बच गया वो। अरे बहुत बड़ा किस्मत वाला है वो। एक एक को भगवान जैसे खुद आकर मदद कर रहा है। भगवान क्या मदद करेगा, रोज इतने लोग मरते हैं, भगवान मदद करता है क्या? ए, बता रहे साहब को। नहीं, आप बताएंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा, आप बताओ। 2 साल पहले वो काली मंदिर से आ रहा था, मैंने वहाँ भी बम रखवाया था, उसके आने से पहले ही बम फट गया और साहब उसको कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर में आए हुए सारे लोग मारे गए। इससे पहले भी हमने कितनी बार बम फेंका लेकिन हर बार बच गया। मेरी एक बात मानोगे साहब, अगर ठाकुर को अरेस्ट करोगे तो तुम्हें DSP बनवा दूंगा साहब, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और तो और मैं तुम्हें 10 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन लिख के दूंगा, क्या कहते हो? हाँ, आप पैसे ये सब गुस्से में कह रहे हैं, जबान पे भरोसा नहीं, लिखाई पे तो रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ए, पेपर दो, लिख के देंगे। अरे यार तुम भी कमाल करते हो, भरोसा नहीं है क्या, नीचे साइन करके देता हूँ, ऊपर जो जी में आए लिख लेना। बहुत शुक्रिया, कोई पुलिस स्टेशन आकर सामने वाले ने ये किया वो किया करके कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन ये बड़े आदमी है इसलिए अपने किए हुए गुनाह खुद कबूल करके दस्तखत भी करके दिए हैं। क्या कहा, मैं समझा नहीं, फिर से कहो। क्या रे, इसे अंदर डालो तब समझ में आएगा। ए, काले नाक से मजाक मत करो। चुप रहे, तुम नाग हो तो सर कुचलने वाला हूँ मैं, तुम इंसान होकर बच गए। ए, मुझे एक्शन लेने से पहले वार्निंग देने की आदत है, अब अगर इस गांव में किसी छोटे बच्चे ने गलती से पटाखा भी फोड़ा तो तुम्हें मारकर एनकाउंटर में मरा हुआ लिख दूंगा। आउट, आई से गेट आउट। ये क्या सर, आज ये हाथ में आया तो इसकी नस क्यों नहीं निचोड़ दी आपने? इसकी नसें हम नहीं निकालेंगे। क्यों सर? उनके सगे रिश्तेदार है ना बेचारे, समझ में नहीं आया? नहीं समझा सर। तालाब में पकड़ने जाए तो ऐसी एक ही मछली मिलती है, जाल बिछाए तो बहुत सारी मछली मिलती है, लेकिन ऐसी मछली को बिना सांस के मारना है तो पानी ही मारेगा, वो पानी कोई और नहीं, इनके हाथों से पानी पीने वाला उनमें बदलाव लाएगा, बदलेगा। क्या हुआ शीनू? है, पेट्रोल खत्म हो गया। ओह, चलो चलो चलो। मेरी शैलू कहाँ है? नाटक कर रहा है, खुद ले जाकर के मुझसे पूछ रहा है। तेरे आदमी मेरे पास से शैलू को लाए थे, शराफत से बता दे वो कहाँ है। शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने, तुम लोगों को देखता हूँ तो बचपन में देखा हुआ रामलीला का नाटक याद आता है। मेरे राम, मेरे भगवान कहने वाला तेरा गला पकड़ा है, मेरे हनुमान, मेरे महावीर कहने वाला तू उसका गला पकड़ा है। सीता रामायण खत्म हो गया। नायडू, क्षमा करना ठाकुर, दोस्ती बनाना हो, अगर रिश्ता बनाना हो तो बराबर वालों से की जाती है, समझ गए ना? तेरी लड़की इसके साथ भाग गई। अब सुन, तेरी बेटी मेरे पास है। यहाँ तेरी आवाज उठेगी वहाँ उसकी आवाज बंद कर दूंगा, यहाँ तेरा पैर उठेगा वहाँ उसका पैर काट दूंगा,
यहाँ तू हाथ उठाया वहाँ उसका हाथ काट दूंगा। हमारे पैरों के नीचे काम करने वाले मजदूर लोग हमारी बेटी को उठाकर ले जाते तो मैं चुप नहीं बैठता। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करोगे? बोलो ठाकुर, क्या सोच रहे हो? बोलो ठाकुर, बोलो जल्दी बोलो। मुहूर्त कब रखेंगे ये सोच रहा हूं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। हुए तुम पर इतने दिनों तक दुश्मनी करके कुत्ते की तरह मुंह चाट रहे हो एक दूसरे का बिना पेंदी के लोटे। मुंह बंद कर। मारा तो क्या, गाली दिया तो क्या, खत्म किया तो क्या, बीच में तू कौन? कमजात नमक हराम कहीं का। चप्पल कितना भी सुंदर हो उसे बहर में पहना जाता, गले में नहीं, समझा? नौकर होकर तेरे को बड़े घर की लड़की चाहिए? रुको ठाकुर रुको, इसको अभी नहीं मारेंगे, वहाँ उसकी शादी होगी तब इसको यहाँ मारेंगे। वहाँ तेरी बेटी दुल्हन बनकर आएगी और यहाँ इसे बलि के बकरे की तरह सजाएंगे। वहाँ शादी के मंत्र पढ़े जाएंगे और यहाँ पे इसके मौत का मंत्र पढ़ा जाएगा। वहाँ पर शहनाई बस्ती रहेगी और यहाँ पर इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। हाँ हाँ, तुम जाकर शादी की तैयारी करो, मैं इसकी मौत की तैयारी करता हूँ। ठीक है। ए, इसे खींच कर ले आओ। कितनी खुशी की बात है, आप और ठाकुर साहब एक हो गए हैं, अब ये लफड़े झगड़े बंद हो जाएंगे। इतनी अच्छी बात है, आपकी वजह से हम लोग एक हो जाएंगे। ए गाड़ी रोक, तुम उतरो। हाँ भाई। मेरे बच्चे मर जाएंगे लेकिन जिंदगी में कभी ठाकुर से हाथ नहीं मिलाएंगे। कल सुबह मंदिर के पास अपने बेटे की शादी शैलू से करवाऊंगा और तुम देख लेना ठाकुर के हाथ शिनू को भी मरवाऊंगा। बहू के घर आने से पहले ठाकुर को भी शमशान भेज दूंगा। तुम जल्दी से जाओ और शमशान में जलाने की तैयारी करो। जाओ चल रहे। मैं नहीं जाऊंगा ठाकुर, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। अरे पागल है क्या रे तू? गैंग वॉर में राज किया है मैंने राजनीति की बदौलत। इसमें खून किया जाता है, खून दिया नहीं जाता। अभी हमारी शैलू उसके पास है, एक बार उसे शादी के लिए यहाँ लाने दे, फिर मैं उसे भी छुड़ा लूंगा और उसको भी देख लूंगा। उसके बाद मैं नायडू शिनू दोनों को खत्म करूंगा। यही बात ठाकरों वाली है। क्या बात है सर, मुझे लीव पर जाने को कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल्स क्या सर? आई एम परफेक्टली ऑलराइट सर, लीव लेने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर मेरी एज 40 है सर, हाइट 5'10", हाइट के बराबर वेट है 78 kg सर। आई एम परफेक्टली ऑलराइट सर, 76 बार सांस निकालकर छोड़ता हूँ सर। मेरा पल्स रेट है 82, मुझे बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इतना ही नहीं सर, आज तक मुझे सरदर्द भी नहीं हुआ है, फिर क्यों लीव लूं मैं सर? तेरी तबीयत के बारे में मैं क्या करूं? तुम अगर लीव पर नहीं गए तो। ओ, घर में घर वालों को प्रॉब्लम है क्या? डोंट वरी सर, मेरा कोई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, मामा मामी बहन भतीजा मौसा मौसी नाना आखिर औरतें बच्चे भी नहीं है सर, घर में कोई नहीं है सर, सही में मेरा घर ही नहीं है, फिर मैं लीव क्यों लूं? वो सब मुझे पता नहीं है, तुम्हें लीव पर जाना ही होगा। सस्पेंड करेंगे क्या? ये मैंने सस्पेक्ट कर रखा था। आप कुछ भी कर लो, मैं लीव नहीं लूंगा। तो ठीक है, सस्पेंस ऑर्डर आएंगे उसके लिए तैयार रहो। सर दो गैंगस्टर को पकड़ा है, ऐसी हालत में सस्पेंड हुए तो? कोई नुकसान नहीं, श्री कृष्ण ने हथियार हाथ में लिए होते तो महाभारत का युद्ध मिनटों में खत्म हो जाता। उन्होंने हथियार हाथ में नहीं लिए, युद्ध नहीं किया, युद्ध करवाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। आगे आगे देखो, सब समझ में आ जाएगा। शिनू जो है हमारी कैद से भाग चुका है। तेरी तो, तुम सबको वो अकेला मार करके भाग रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ जाकर उसे चप्पे चप्पे में ढूंढो, जाओ भागो। हाँ, चलो जाओ जाओ। क्या शिनू भाग गया? कहाँ जाएगा ठाकुर, तेरी बेटी मेरे पास है, वो नाग नागिन को ढूंढते हुए इसी नाग की तरफ आएगा, हम उसका सर कुचल कर उसको जान से मार देंगे। तुम घबराओ मत ठाकुर। भाई ए भाई, क्या हुआ? शैलू वहाँ से भाग गई भाई। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम देख कर आए हो ना? ढूंढा लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है भाई। ये क्या बोल रहा है, मामला तो गर्म हो गया है, वो यहाँ से अकेली भाग ही नहीं सकती, शिनू आकर ले गया होगा। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ से जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ। तुम रेलवे स्टेशन जाओ,
ए, तुम बस स्टैंड जाओ, तुम रोड मिट्टी पहाड़ पत्थर गलियां कोने में सभी जगह ढूंढो, सर जगह ढूंढो, जहां मिले वहीं काट डालो, जाओ खत्म कर दो उसे। भाई कौन है? हेलो, वो गलियों में कोनों में छुपकर भागने वाला डरपोक नहीं है रे। हिम्मत से दोनों एक होने के लिए गांव के नजदीक मंदिर गए हैं। तुम जाकर उनका कन्यादान करते हो तो ठीक है, तेरी मर्जी, जा। ये क्या सर, आपने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी? अरे बाप रे, इन्फॉर्मेशन मैंने लीक किया? ए हरी अप, हरी अप, कमॉन 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 कमॉन, जल्दी करो जल्दी करो, कमॉन चलो चलो जल्दी, कमॉन फास्ट। चलो। ये क्या सर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट तुम्हें पता चलेगा, आओ जल्दी। वहाँ वो मंदिर के पास इतना टेंशन होते हुए भी? हंसी आए तो हंसना है, गुस्सा आए तो मारना है, रोना आए तो रोना है, भूख लगे तो खाना है, बिरयानी खाना है, आओ। सर भी क्या क्या करते रहते। इस नौकर टपोरी का हाथ पकड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यही सिखाया तुझे? क्या ठाकुर, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बेटी खुश लग रही है। ए, काट डालो इस हरामी को। पागल हो गए हो क्या? मैंने काटने को कहा है, काटो इसे। हम सब लोग आपके एक इशारे पर जान दे देते हैं, हमको कोई बुद्धू समझे हो? तुम दोनों एक हो जाओगे, मारे जाएंगे हम। क्या ठाकुर, शीनू तो यहाँ अकेला मर्द है, लेकिन तुम्हारे पास तो सभी मर्द हैं। मेरे आदमियों को देखो, विश्वास तो ऐसा होना चाहिए। ए डाल दो रे। क्या रे, तुम लोगों को क्या हो गया? हम समझ गए। मतलब तुम लोग एक हो गए हो क्या रे? क्यों, तुम दोनों एक हो गए? क्यों, तुम दोनों एक हो सकते हो और हम लोग आपस में लड़कर मर जाएं? ए, उसकी बात पे यकीन मत करना, तुम लोग मेरे आदमी हो। नहीं, हम लेबर हैं, छोटी जात के। नहीं नहीं, तुम लोगों को तो मैंने अपना समझा है। अरे चुप रहो, तुम क्या अपना समझोगे हमें? अरे कमीनो, तुम लोगों को पैसे दिया, मटन बिरयानी खिलाई, चिकन बिरयानी खिलाई, साथ में बैठा के दारू तक पिलाया है तुम लोगों को। तो फिर हम पर कोई ऐसा नहीं किया है? ए, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करोगे, मार डालोगे हमें? जरा मारो तो। अब अगर किसी को मारने की कोशिश की तो कोई चुप बैठने वाला नहीं है। इज्जत से हाथ नीचे रख ले, नहीं तो हमारा भी खून खौल जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। बाप रे, इतना सुनने के बाद भी अभी तक देख रहे हो जीजा? चलो भाग चलो यहाँ से, चलो। चप्पल से मारूंगा। क्यों, अच्छी बात कही? मुंह बंद करो, तुम सभी की धमकियों से डर कर भाग जाऊंगा ऐसा समझ रहे हो क्या? ए, एक एक को उठा उठा कर काटूंगा। काट काट के दिखा, आदमी पर वार करने के लिए जिगर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। दम है तो मेरे सीने पर वार करके दिखा, आ काट के दिखा। डरपोक साला, इतने दिन तुम आते थे तो लोग डरते थे तुम्हें देखकर, नहीं रे तुम्हारे बाजू में चाकू लेकर चलने वाले हमें देखकर, तुम्हें झुक झुक कर सलाम करते थे तुम्हारा थोबड़ा देखकर नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत देखकर। माँ बाप से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा तुम्हें भगवान समझकर पागलों की तरह तुम्हारे पैरों के पास रहकर खून हम बहाते हैं, तुम क्या राज करोगे? किसी दिन हमारे बगैर घर से बाहर जाते हो? शहर जाओ तो हम चाहिए, खेत जाओ तो हम चाहिए, बाजार जाओ तो हम चाहिए, बकरी के पास जाओ तो हम चाहिए, और तो और, औरतों के साथ सोते वक्त भी दरवाजे के बाहर रखवाली हम करते हैं, तू तेरी जात पर, तेरी जिंदगी पर और तेरे अभिमान पर। तुम्हें आखिर घमंड किस बात का है? तुम्हें मरने से बचाते हम लोग, बीच में जाते है जान हमारी। इतने दिनों से उसकी जान लेने के लिए तुम और तुम्हारी लाश देखने के लिए वो कसम पे कसम खा रहे थे, अब बताओ कि कितने बड़े मर्द हो तुम लोग।
तुम तो कहते थे ये हमारा दुश्मन है, अब जब ये तुम्हारे सामने खड़ा है तो मारते क्यों नहीं हो इसे? क्यों उससे हाथ मिला रहे हो? मारो उसे, मारते क्यों नहीं हो तुम? हमने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां की हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, अब मारते क्यों नहीं हो? मारो मारो बात, इसे कहते हैं गुस्सा। खत्म कर दो नायडू को। क्यों नायडू, ठाकुर के ऊपर तुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? एक औरत होकर मेरा खून खोल रहा है और मर्द होकर तू खड़ा खड़ा देख रहा है? जा, जाकर मार डाल उसे, टुकड़े टुकड़े कर दे उसके। शाबाश, बता दो आज की नायडू कौन है, मार डालो ठाकुर को। जाओ जाओ मैदान में जाओ। क्यों रे सर, लोग हमेशा कहते हैं कि पुलिस लेट आती है, देखा ना लेट आने पे कितना अच्छा काम हो गया। आधा घंटा पहले आए होते तो इन दुष्टों की सजा रोकनी पड़ती, और ये लोग अगर कुछ और साल जीते और कितने लोगों की बलि लेते पता नहीं, इसलिए आधा घंटा बिरयानी ब्रेक। गुड, शांति के लिए प्रशांत के लिए आज महायज्ञ हुआ है। यज्ञ में गिरकर ये लोग राख हो गए, ये लोगों का किया हुआ यज्ञ है। गांव को पकड़ के परेशान करने वाले दो शैतान इस यज्ञ की भेंट चढ़ गए, ये अपने आप ही बलि हो गए हैं। अब इस यज्ञ को यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, इतने दिन जुल्मियों के बीच रहे आप, अब से आप अपनी मेहनत पर जिए, बदला नहीं प्यार बांटिए, हिंसा नहीं। शमो देवो भवा। क्या रे सर, मुझे यहाँ कोई काम है क्या? कोई काम नहीं सर। फिर यहाँ क्यों है, चल जाके सोते हैं। चलो ओके सर। समिधनों कटिया